जय जय माता दी। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है असली वशीकरण मंत्र, जहां पे मैं आप सबके लिए लेकर आता हूं वशीकरण से संबंधित मंत्र, टोटके और उपाय, जिसके करके आप निश्चित ही किसी भी व्यक्ति को वशीभूत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वशीकरण का ऐसा अद्भुत और अचूक टोटका, जिसमें से आप जिसको भी चाहें एक बार प्रयोग कर लीजिए, बस जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं वो आपके वशीभूत हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो यही काम कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर बार आपके लिए नए नए उपाय, मंत्र और टोटके लेकर आता हूं। चलिए आपको मैं वशीकरण के कुछ अचूक टोटके बता रहा हूँ, जिससे करके आप निश्चित ही जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसको अपने ओर वशीभूत कर सकते हैं। शनिवार के दिन सुंदर आकृति वाली एक पुतली बनाकर, जी हाँ, उसके पेट पर जिस व्यक्ति को आप वशीभूत करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति को फिर उसी पुतली को आपको दिखाना है, जिससे कि वह व्यक्ति पूरी तरह से वशीभूत हो जाएगा। दोस्तों, अगला टोटका है सफेद गुंजा की जड़, उसे घींच कर माथे पर तिलक लगा लीजिए। जो भी व्यक्ति आपके तिलक की ओर देखेगा, ललाट की ओर देखेगा, वह आपके वशीभूत हो जाएगा। जी हाँ। अगला है दोस्तों उपाय, यदि सूर्य ग्रहण के समय सहदेवी की जड़ को आप सफेद चंदन के साथ घींच कर तिलक लगाते हैं और जिस भी स्त्री या पुरुष को आप वशीभूत करना चाहते हैं उसके सामने चले जाएंगे, तो वह तुरंत ही आपके वश में हो जाएगा, आपके अनुसार चलने लगेगा वह। जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, बिजौरे की जड़ और धतूरे के बीज को प्याज के साथ पीसकर जिस भी व्यक्ति को आप वशीभूत करना चाहते हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे बस सुंघा दीजिए किसी भी तरह से, वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा पूरी तरह से। अगला उपाय है दोस्तों, नाग केसर, उसको खरल में कूट कर छान ले और फिर उसमें थोड़ा सा शुद्ध घी उसका मिला लीजिए और फिर उस लेप को आपको माथे में लगा लेना है, अर्थात तिलक की तरह। इसके बाद देखिएगा, आपके अंदर एक अलग सा आकर्षण की शक्ति पैदा होगी, जिससे कि आप जिस भी व्यक्ति के पास जाएंगे वह खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएगा, जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचा चला आता है। जी हाँ। अगला उपाय बता रहा हूँ, नाग केसर, चमेली के फूल, कूट तगर, कुमकुम और देसी घी, इस सब का मिश्रण बना लीजिए, प्याली में रख दीजिए और कुछ दिनों तक आप इसको लगाते रहिए। आप खुद देखेंगे 5 या 6 दिन में आपके अंदर एक अलग सा एनर्जी जो होता है, जिसे आकर्षण की शक्ति कहते हैं, वह आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी। आपके अंदर जो भी शक्तियां हैं वो जागृत होगी और जिस भी व्यक्ति के सामने आप कुछ भी बोलेंगे, कहेंगे, वह आपकी बात मानने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, अनार के पंचांग में, जी हाँ, सफेद घुकची मिलाकर उसे पीस लें और उसे तिलक लगा लीजिए। यह बहुत ही प्रचंड है, इससे आप पूरी पूरी तरह सभा मोहल्ला को भी वशीभूत कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक अरकला उपाय जो मैं बता रहा हूँ उसको, लौकी के तेल और कपड़े, इसकी आप बत्ती बना लीजिए, फिर इसे जलाकर इसके काजल बनाकर लगा लीजिए बस आंखों में, जिसे आप देखेंगे वह व्यक्ति आपकी ओर वशीभूत हो जाएगा। यह बहुत ही प्रचंड टोटका है दोस्तों, काजल वशीकरण का। जी हाँ। अगला है बिल्व पत्र, इसे आप छाया में, ध्यान रखिएगा, छाया में, धूप में नहीं, छाया में सुखाकर कपीला गाय आता है उसकी दूध के साथ मिलाकर पीस दीजिए। इसके बाद जिसके पास भी आप तिलक लगा कर जाते हैं वह साधक आपके वशीभूत हो जाएगा। अगला उपाय दोस्तों आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ, केसर, सिंदूर, गोरोचन, इन तीनों को आंवले के साथ पीस कर तिलक लगा लीजिए। तिलक लगाने के बाद आप जिस भी व्यक्ति के पास जाएंगे वह व्यक्ति आपके बात तुरंत ही मानने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों। अगला अचूक उपाय है, शमशान में जहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल ना हो, वहां पे एक गुलाब का पौधा लगा दीजिए और फिर पूर्णमासी की रात उस फूल को, पूर्णमासी की रात को आपको वहां से गुलाब फूल तोड़ के लेके आना है और फिर उस फूल को आपको उस व्यक्ति को दे दीजिए जिसे आप
अपने वश में करना चाहते हैं, वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण आपके वश में हो जाएगा, जिसका तोड़ बिल्कुल भी किसी के पास नहीं होगा। दोस्तों अगला उपाय मैं आपको बताता हूं। अमावस्या की रात्रि को मिट्टी की एक कच्ची हांडी ले लीजिए, उसके भीतर थोड़ा सा सूजी का हलवा रख दें। इसके अलावा उसमें साबुत हल्दी का एक टुकड़ा, 7 लौंग 7 काली मिर्च रखकर हांडी को लाल कपड़े में बांध दें जी। फिर घर से कहीं दूर सुनसान स्थल पर उस हांडी को धरती में गाड़ दें। ध्यान रखिएगा, आप गाड़ते समय मन में यह ध्यान लगाइए कि जिस व्यक्ति को आपको वशीभूत करना है उसे आपके वशीभूत कर दे, वश में कर दे, और वह वस्तु जिससे आपने गाड़ा है उसको भी वहीं छोड़ के आपको वापस आ जाना है। और याद रखिएगा दोस्तों, पीछे पलटकर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। इससे उस व्यक्ति के ऊपर प्रबल वशीकरण होगा जिसका नाम आपने लिया, जिसका ध्यान आपने किया है। प्रातः काल काली हल्दी का तिलक लगाना चाहिए दोस्तों जी हाँ, और उस तिलक में आपको हल्का सा अपनी कनिष्ठिका उंगली है उसका रक्त मिलाकर लगाइए। अगर ऐसा करके आप किसी भी जगह जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर अपने बॉस के पास हो, प्रेमिका के पास हो, किसी को प्रपोज करना हो, किसी भी कारण से जा रहे हैं, तो वह इतना असर करता है कि आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी ही, अगला व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करेगा ही। दोस्तों यह जो है वशीकरण के अचूक टोटके हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसको बिल्कुल प्रयोग करके देखिए, इसका परिणाम तो आपको निश्चित रूप से मिलता ही है। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ है तो। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आपके लिए मैं फिर से एक बार नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। बस अपना ध्यान रखिए, सबका मंगल हो। जय जय माता दी दोस्तों।